सन्नती व तजारती नुमाइंद पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अंजुमन ताजरान आबकारी रोड और डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग एसोसिएशन और साइंटिफिक इक्विपमेंट एसोसिएशन के सैकड़ों ओहदेदारों ने लाहौर भर की मार्केटों में मौजूद अपने मेंबरान के हमरा प्याफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। अंजुमन ताजरान आबकारी रोड और डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग एसोसिएशन और साइंटिफिक इक्विपमेंट एसोसिएशन की प्याफ में शमूलियत के मौके पर ताजर बरादरी का जम्मे गफीर तकरीब में शरीक था, जिसके बाद इस तकरीब बड़े इज्तिमा का रूप धार गए। मैं अपने तमाम डिस्पोजेबल के दुकानदार, जितनी यूनियन है और लाहौर साइंटिफिक इक्विपमेंट डीलर ग्रुप, जिन्होंने भरपूर हमायत का ऐलान किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे मेहमान गरामी थे, इरफान इकबाल साहब, अंजुम निसार साहब, फहीम सैगल साहब और बहुत सारे लोग थे। प्याफ से हमने उसमें शमूलियत इख्तियार की है और तमाम जितने अहदेदारान हैं हमारी मार्केट्स के, हमने इकट्ठे सब ने शमूलियत इख्तियार की। आज माशाल्लाह से प्याफ में शमूलियत इख्तियार की है हम लोगों ने। ये कोई सिर्फ एक मार्केट से लोग नहीं आए हुए थे, मुख्तलिफ मार्केटें थी। आपने खुद भी देखा कि शालमी मार्केट, उर्दू बाजार, आबकारी रोड, सारे तकरीबन एक बड़ी मार्केटें सारी मेन थी। प्याफ के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतिमाम एहसन शाहिद, आसिम महमूद, अब्दुल हमीद आसिम, राना खालिद, शहाब डार, मलिक खालिद महमूद, नईम खान और दीगर की जानिब से किया गया। प्याफ की क्यादत के एजाज में दिए जाने वाले इस्तकबालिया तकरीब के मेहमान खसूसी पैट्रन इन चीफ प्याफ व नायब सदर साग चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियाँ अंजुम निसार, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल, सीनियर ग्रुप लीडर मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ बुजरशाद, सीनियर नायब सदर लाहौर चेंबर जफर महमूद चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्ला मुगल, वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी थे। जबकि इस मौके पर प्याफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकी सदर होल रोड बाबर महमूद, सीनियर बिजनेस लीडर बाऊ मोहम्मद बशीर, नईम हनीफ, शेख उमर सरफराज, जिशान सुहेल मलिक, शेख सजाद अफजल, राना नदीम अब्बास, शेख अब्दुल मनान, मुदसर मसूद, अशरफ भट्टी, खालिद परवेज, मलिक नदीम, शेख फयाज, अरशद खान, तलाल भट्ट समेत दीगर भी शरीक थे। प्याफ के एजाज में होने वाली तकरीब के मौके पर अंजुमन ताजरान आबकारी रोड और डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग एसोसिएशन और साइंटिफिक इक्विपमेंट एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि लाहौर चेम्बर के इंतखाबात में प्याफ की कामयाबी के लिए सख्त जिद्दोजहद करेंगे। प्याफ सन्नती व तजारती नुमाइंदों की वाहिद तंजीम है जिसने ताजरों के मसाइल को हल किया और सहूलियात की फराहमी को दहलीज पर मुमकिन बनाया। इस मौके पर पैट्रन इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार, सदर वफाकी चेंबर इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल, सीनियर ग्रुप लीडर मोहम्मद अली मियाँ, सीनियर लीडर मियाँ बुजरशाद और दीगर का कहना था कि इंशाल्लाह इस बार लाहौर चेंबर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत का सिलसिला मजीद तनदही के साथ जारी रखा जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक एसोसिएशन और डिस्पोजेबल एसोसिएशन ने कायदा प्याफ में शमूलियत का ऐलान किया है। आजकल जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, वो हम देखते हैं कि बहुत लोग खुश हैं। एक बंदे को ले गए और जनाब कह दिया कि तहलका बच गया, लाहौर की सतह में तहलका बच गया।
पियाफ में जो है रियल जो क्यादत है लाहौर की, जो एसोसिएशन हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो शामिल हो रहे हैं आज नहीं 25 साल से, और शायद ही लाहौर की कोई मार्केट हो जो कि जिसकी शमूलियत पियाफ में नहीं है। तो हमें शमूलियत का जो ये सिलसिला जारी है, जो लोग सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर अपने ग्रुप में बार बार 8-10 बंदों का ही फोटो लगा के बड़े खुश होते हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब सबसे बड़ी पार्टी है वो है या ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पियाफ इस वक्त लाहौर की नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले जो दौर है पियाफ फूड एयरलाइंस का है, 25 साल से पियाफ फूड एयरलाइंस जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसीलिए लाहौर चैम्बर जो है वो पाकिस्तान के नहीं इस एशिया के तमाम चैम्बरों में सहूलियात में, कारकर्दगी में, परफॉर्मेंस में सबसे आगे है। इसलिए इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पियाफ में भी लोग एसोसिएशन आ रही है, फंडर को भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले इलेक्शन में मैं समझता हूँ हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम हमेशा की तरह इस साल भी मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि हंगामे बहुत हो रहे हैं, अभी तक कोई ग्रुप सॉलिड तरीके से सामने नहीं आ रहा, नज़र यही आ रहा है जो 2-4 छोटे छोटे ग्रुप हैं उनके पास कैंडिडेट भी मुकम्मल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार है, मैदान भी खुला है, इंशाअल्लाह 28 तारीख को एसोसिएट, 29 सितम्बर को कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन हम क्लीन स्वीप से जीतेंगे।